मोस्ट हाई सिक्योरिटी जोन इंडिया गेट पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये वो जगह है बीकानेर हाउस के ठीक सामने, जहां पर एक आइसक्रीम वेंडर जिसकी पहचान प्रभाकर के रूप में हुई है, प्रभाकर आइसक्रीम की अपनी कार्ट लेकर इसी जगह पर खड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर एक युवक आता है और चाकुओं से प्रभाकर के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। प्रभाकर को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, तो अलग अलग जगहों पर ब्लड के जो स्टेन्स है वो पुलिस को मिले हैं, जिसमें से एक स्पॉट ये बताया जा रहा है। और जब आप बीकानेर हाउस के फुटपाथ पर देखेंगे तो फुटपाथ पर भी ब्लड के कुछ धब्बे हैं, वो दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम को मिले हैं। और ये जो आप राउंड सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभाकर की जो स्लीपर है, चप्पल है, वो भी यहाँ पर मिली है। और ब्लड के कुछ निशान थोड़ा सा दूर जब हम जाते हैं तो फुटपाथ पर इस जगह पर भी मिले हैं। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि एफएसएल को अलग अलग जगहों से जो सैंपल मिले हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पहले झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो हमलावर है उसने चाकुओं से प्रभाकर पर वार करने शुरू किए और उसके बाद मौका देखते ही वो फरार हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरा हाई सिक्योरिटी जोन है, अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको मॉनिटर कर आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो 12 घंटे के अंदर ही कर ली गई है। हालांकि मोटिव क्या था इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे विजय उमेश अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो सामने आप इंडिया गेट का चिल्ड्रंस पार्क देख रहे हैं और इससे थोड़ी सी आगे इंडिया गेट का मेन सर्कल है, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना हाई सिक्योरिटी ये जोन है। पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा यहाँ पर डिप्लॉय रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक आइसक्रीम वेंडर की हत्या इंडिया गेट सर्कल पर ही कर दी जाती है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या था इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। विजय उमेश के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। मोस्ट हाई सिक्योरिटी जोन इंडिया गेट पर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये वो जगह है बीकानेर हाउस के ठीक सामने, जहां पर एक आइसक्रीम वेंडर जिसकी पहचान प्रभाकर के रूप में हुई है, प्रभाकर आइसक्रीम की अपनी कार्ट लेकर इसी जगह पर खड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी जगह पर एक युवक आता है और चाकुओं से प्रभाकर के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। प्रभाकर को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, तो अलग अलग जगहों पर ब्लड के जो स्टेन्स है वो पुलिस को मिले हैं, जिसमें से एक स्पॉट ये बताया जा रहा है। और जब आप बीकानेर हाउस के फुटपाथ पर देखेंगे तो फुटपाथ पर भी ब्लड के कुछ धब्बे हैं, वो दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम को मिले हैं। और ये जो आप राउंड सर्कल देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभाकर की जो स्लीपर है, चप्पल है, वो भी यहाँ पर मिली है। और ब्लड के कुछ निशान थोड़ा सा दूर जब हम जाते हैं तो फुटपाथ पर इस जगह पर भी मिले हैं। हालांकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि एफएसएल को अलग अलग जगहों से जो सैंपल मिले हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पहले झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो हमलावर है उसने चाकुओं से प्रभाकर पर वार करने शुरू किए और उसके बाद मौका देखते ही वो फरार हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरा हाई सिक्योरिटी जोन है, अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको मॉनिटर कर आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो 12 घंटे के अंदर ही कर ली गई है। हालांकि मोटिव क्या था इसको लेकर अभी पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरे विजय उमेश अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो सामने आप इंडिया गेट का चिल्ड्रंस पार्क देख रहे हैं और इससे थोड़ी सी आगे इंडिया गेट का मेन सर्कल है, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना हाई सिक्योरिटी ये जोन है। पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा यहाँ पर डिप्लॉय रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक आइसक्रीम वेंडर की हत्या इंडिया गेट सर्कल पर ही कर दी जाती है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मोटिव क्या था इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। विजय उमेश के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।